ओके बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा थोड़ा सा लेट हो गया, आई एम सो सॉरी टू यू, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा नेट प्रॉब्लम थी इसलिए मैं थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। चलिए बेटा, आज से हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। स्टार्ट हो गया सर? तो देखिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर आपका परसेंटेज। तो बेटा बेसिकली आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत, परसेंटेज वाली बात, ठीक है। तो याद रखना बेटा, परसेंटेज क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो परसेंटेज का साइन ये होता है, तो पर माने होता है डिवाइड, सेंट मीन्स 100, यानी कि 1/100, यानी कि जहाँ पर बात परसेंटेज की होगी वहाँ पर बात किसकी होगी, 1/100 की। क्योंकि 1/100 एक रेशियो है, इसका हम ये कह सकते हैं कि जहाँ परसेंटेज होगा वहाँ क्या होगा बेटा, एक रेशियो होगा। जहाँ परसेंटेज होगा वहाँ क्या होगा बेटा, एक रेशियो होगा, और जहाँ रेशियो होगा वहाँ क्या होगा, परसेंटेज होगा। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ बेटा परसेंटेज की, तो परसेंटेज के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं 1/100, 1/100 इज़ अ रेशियो। इसका मतलब जहाँ जहाँ बात परसेंटेज की होगी वहाँ रेशियो की होगी, जहाँ रेशियो की वो होगी वहाँ परसेंटेज की होगी। तो एक बात गौर से सुन लीजिए बेटा, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको परसेंटेज की रेशियो, रेशियो की परसेंटेज आनी चाहिए। तो पहले मैं आपको लिख देता हूँ कुछ चीज़ें। तो परसेंटेज जो है उसको अगर हमें रेशियो में कन्वर्ट करना हो, या रेशियो को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो पहले हमें कुछ रेशियो की परसेंटेज याद करनी होंगी। अब गौर से सुनिए बेटा, कौन कौन सी याद करनी होंगी। तो पहली बात होती है बेटा दैट इज़ 1, देन नेक्स्ट वन इज़ 1/2, नेक्स्ट वन इज़ 1/3, नेक्स्ट वन इज़ 1/4, नेक्स्ट वन इज़ 1/5, नेक्स्ट वन इज़ 1/6, नेक्स्ट वन इज़ 1/7, नेक्स्ट वन इज़ 1/8, नेक्स्ट वन इज़ 1/9, नेक्स्ट वन इज़ 1/10, नेक्स्ट वन इज़ 1/11, नेक्स्ट इज़ 1/12, नेक्स्ट इज़ 1/13, नेक्स्ट इज़ 1/14, नेक्स्ट इज़ 1/15, नेक्स्ट इज़ 1/16, नेक्स्ट इज़ 1/20, नेक्स्ट वन इज़ 1/24, नेक्स्ट वन इज़ 1/25। बोलो क्लियर है? तो बेटा आपको ये याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा आपको? याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आपकी बहुत हेल्प हो जाती है क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में। तो गौर से सुनना बेटा, अगर मुझे इस रेशियो को परसेंटेज बनाना हो तो किससे गुणा करेंगे बेटा हम? 100 से, क्योंकि हम जानते हैं परसेंटेज से रेशियो बनाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। अगर परसेंटेज को रेशियो बनाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो यहाँ से उल्टा आएंगे तो उल्टा करेंगे, उल्टा क्या होगा बेटा, गुणा 100। इसका मतलब रेशियो को अगर परसेंटेज बनाना हो तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं बेटा, 100 करते हैं। बोलो क्लियर हुआ? तो आप बताइए बेटा, एक में गुणा 100 करेंगे तो कितना परसेंटेज बनेगा? तो आप बोलेंगे 100% बनेगा। अब बताइए, एक का आधा अगर 1/2 होता है तो 100 का आधा कितना हो जाएगा बेटा? 50। तो 1/2 की परसेंटेज क्या होती है बेटा? 50%। अब बताइए, 1/2 का आधा क्या होता है? 1/4। इसलिए 50 का आधा कितना हो जाएगा बेटा? 25। तो आपकी ये वाली परसेंटेज हो जाएगी 25%। बोलो क्लियर हुआ? अब बताइए, 1/4 का आधा क्या होता है? 1/8। इसलिए 25 का आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा दैट इज 12.5%। कितने परसेंट बेटा? 12.5%। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अब बताइए, 1/8 का आधा करेंगे तो बेटा 1/16 आएगा। 1/16 क्या होगा? तो बेटा आधा करिए, 12 का आधा कितना होगा बेटा? 6। और बेटा आधे का आधा कितना होगा? दैट इज़ 1/4। तो आपका आंसर होगा 6 से ही 1/4। अब आप कुछ मत करिए बेटा, 6 और 4 को पलट दीजिए। तो अगर 6 और 4 को पलट देते हो तो इससे जो परसेंटेज बनेगी दैट इज़ 1/24। तो 1/24 की परसेंटेज क्या होगी? दैट इज़ 4 से ही 1/6%। क्या होगी बेटा? 4 से ही 1/6%। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वन इज़, अब आपको कुछ परसेंटेज याद भी रखनी है। क्या रखनी है बेटा आपको? याद। तो जो जो आपको याद रखनी है वो मैं आपको टिक लगा दे रहा हूँ। बस आपको 4% याद रखनी है, दैट इज़ 1/3, 1/6, 1/7 और 1/13। बस यही आपको याद रखनी है बेटा। बोलो क्लियर है बेटा? तो देखिए भाई, 1/3 कितना होता है? तो 1/3 होता है 33 से ही 1/3% बेटा। कितना होता है? 33 से ही 1/3%। 1/6 कितना होता है? तो ये होता है आपका 16 से ही 2/3%। कितना होता है बेटा? 16 से ही 2/3%। नेक्स्ट 1/7 कितना होता है? तो 1/7 होता है 14 से ही 2/7%। कितना होता है बेटा? 14 से ही 2/7%। और 1/13 ये भी आपको याद होना चाहिए, ये होता है आपका 7 से ही 9/13%। कितना होता है बेटा? 7 से ही 9/13%। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? अब जैसे आपने ये बना ली तो इसके बाद बाकी बनाना बेहद आसान है। कैसे? 1/3 33 1/3 होता है बेटा, इसका 3 में भाग कर दे तो 1/9 बनेगा। तो 3 में भाग कर दीजिए बेटा, 33 में अगर 3 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, आप बताइए। तो बेटा अगर हम 33 में 3 से भाग करें तो बेटा क्या बनेगा? 11।
और 1/3 में भाग करें तो 1/9, तो ये वैल्यू बनेगी 11 से 1/9%। बोलो क्लियर हुआ? तो 1/3 होता है 33/3, तो 1/9 होता है 11 से 1/9। और अगर इस 9 और 11 को पलट दिया जाए तो 1/11 बनेगा, दैट इज 9 से 1/11%। बोलो कितना बनेगा बेटा? 9 से 1/11%। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, आप बताइए 5 से 100 कितना कटता है? तो आप कहेंगे 20 बार कटेगा, तो 1/5 कितने परसेंट होगा बेटा? 20% होगा। और 10 से 100 कितना कटता है? 10 बार, तो 1/10 होगा, 10%। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, आप बताइए 20 से 100 कितना कटता है? 5 बार, तो 1/20 होगा, 5%। और 1/25 होगा बेटा, दैट इज 4%। कितने परसेंट बेटा? 4%। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए भाई, कितनी बात क्लियर हो गई हो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आप बताइए 1/12 किसका आधा होता है? तो 1/12 होता है 1/6 का, 1/6 का आधा 1/12 होता है, तो 16 से 2/3 का आधा कर दो। तो 16 से 2/3 का अगर हम आधा करेंगे तो 16 का आधा कितना होगा बेटा? 8। और 2/3 का होगा आधा होगा 1/3, तो 1/12 की परसेंटेज क्या होगी? 8 से ही 1/3%। बोलो क्लियर हुआ? अब बात करते हैं बेटा 1/14 की क्या होगी? तो 1/14 किसका आधा होगा? 1/7 का। इसका आधा कर दीजिए, तो 14 का आधा कितना होगा? 7। और 2/7 का आधा होगा बेटा 1/7, तो ये बन जाएगी 7 से ही 1/7%। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बच गई बेटा 1/16, तो एक बात गौर से ध्यान रखना, 1/6 की परसेंटेज क्या होती है बेटा? 16 से ही 2/3%। लेकिन इसमें से अगर आप एक को हटा दें, किसको हटा दें बेटा? एक को, तो डायरेक्ट जो परसेंटेज बची बेटा यही होती है 1/15, तो 1/15 की परसेंटेज क्या होती है? 6 से ही 2/3%। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? और अगर ये बात क्लियर हो गई तो शायद मेरे हिसाब से ये आपको सारा कंप्लीट है। तो एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, एक का परसेंटेज क्या होता है बेटा? 100। 1/2 कितना होता है? 50%। 1/3 कितना होता है? 33 से 1/3%। 1/4 कितना होता है? 25%। 1/5 कितना होता है? 20%। 1/6 कितना होता है? 16 से ही 2/3%। 1/7 कितना होता है? 14 से ही 2/7%। 1/8 कितना होता है? 12.5%। 1/9 कितना होता है? 11 से 1/9%। 1/10 कितना होता है? 10%। 1/11 कितना होता है? 9 से ही 1/11%। 1/12 कितना होता है? 8 से ही 1/3%। 1/13 कितना होता है? 7 से ही 9/13%। 1/14 कितना होता है? 7 से ही 1/7%। 1/15 क्या होता है? 6 से ही 2/3%। 1/16 क्या होता है? 6 से ही 1/4%। 1/20 कितना होता है? 5%। 1/24 कितना होता है? 4 से ही 1/6%। और 1/25 कितना होता है? 4%। बोलो ये बात क्लियर है? तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलिए भाई, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो अब मैं थोड़ी बात नेक्स्ट बात बता रहा हूँ, वो और से सुने वो क्या है। तो अगली बात आती है इम्पोर्टेंट, संख्या मानने वाली बात। क्या इम्पोर्टेंट है बेटा? संख्या मानना, संख्या को मानना। अगर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन मिले और उस क्वेश्चन में यदि आपको संख्या नहीं पता हो और संख्या को अगर आपको मानना हो, तो संख्या को मानने के मेरे अकॉर्डिंग तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं बेटा? तीन। तो तीन तरीके कौन कौन से, मैं लिख देता हूँ, एक बार आप रिवाइज कर लें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज के बेसिक क्वेश्चंस। आज जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बेसिक्स रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? बेसिक। तो बेसिक क्वेश्चंस में आपको बस यही रहेगा कि आपको कोई संख्या नहीं पता होगी और अगर संख्या नहीं पता होगी तो उसे मानना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ? तो पहले बात गौर से समझना कि अगर कभी भी संख्या माननी पड़े तो आप, पहला तरीका यह है कि आप ये बोल सकते हो कि माना कि जो संख्या है जो हमें नहीं पता, जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, उस संख्या को हम क्या मान लें बेटा? n मान लें। क्या मान लें? n। और उस क्वेश्चन में संख्या को n मान के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा तरीका होता है परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा? परसेंटेज। आपको बताइए जो चीज़ हमें नहीं पता और सारी बात उसी के बारे में हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ हमारे लिए मैक्सिमम है। और मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होती है बेटा? 100%। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो संख्या है वो हमारे अकॉर्डिंग कितने परसेंट है बेटा? 100%। तो अगर आपको संख्या ना पता हो और अगर आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो संख्या माननी हो, तो आप संख्या को गारंटेड परसेंटेज के अकॉर्डिंग मानना चाहें तो उसे आप कितने परसेंट मान सकते हैं बेटा? 100%। तो ये दूसरा तरीका है। इसके बाद बात आ रही है कि अगर आपको संख्या माननी हो, जैसे फ्रैक्शंस, अगर डाटा आपको फ्रैक्शन में दे रखा हो, जैसे 3/4, तो अगर आपको नीचे वाला 4 खत्म करना है आसान कैलकुलेशन बनाने के लिए, नीचे का 4 खत्म हो जाए तो आसान कैलकुलेशन बन जाएगी। तो इस 4 को खत्म करना है तो हमें पहले तो संख्या माननी किसके अकॉर्डिंग है बेटा? हर के अकॉर्डिंग या अंश के अकॉर्डिंग? हर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा मेन टारगेट होता है बेटा किसको खत्म करना? हर को खत्म करना। किसको खत्म करना बेटा? हर को खत्म करना। तो आप एक फ्रैक्शन है, मान लो दो और फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन और आ गई, तो यहाँ पे हमारा टारगेट है 4 खत्म करना, यहाँ हमारा टारगेट है 7 खत्म करना।
तो हमें जो भी संख्या मानेंगे बेटा वो चार को खत्म करना और सात को खत्म करने के लिए मानेंगे, तो सात चौक 28 मान लेंगे। तो हम जो संख्या है, अगर कभी संख्या ना पता हो और संख्या को अगर मानना हो तो आप एक काम और कर सकते हैं, जो भी संख्याएं हर में बैठी हैं उन हर की संख्याओं का गुणा मान सकते हैं। हर की संख्याओं का गुणा, किसकी संख्याओं का गुणा बेटा, हर की संख्याओं का गुणा, ये भी आप संख्या मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बेटा, ये भी संख्या मान सकते हैं क्या, हर की संख्याओं का गुणा। किसकी गुणा बेटा, हर की संख्याओं का गुणा जो होगा वो भी आपकी संख्या हो सकती है। लेकिन अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि कब आपको संख्या को n मानकर मानना है ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो, कब आपको संख्या को 100% मानना है, और कब आपको संख्या को हर का गुणा मानना है। बोलो क्लियर हुआ, तो गौर से सुनिए बेटा, यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि क्वेश्चन में आसान रहे। ध्यान रखना, परसेंटेज मेथड हम तब लगाएंगे जब क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन होगा, जो भी डाटा गिवन होगा वो गिवन डाटा किसके फॉर्म में होगा बेटा, परसेंटेज के फॉर्म में। अगर आपको जो भी डाटा दे रखा है अगर वो परसेंटेज के फॉर्म में है तो आप संख्या को क्या मान सकते हैं बेटा, 100%। लेकिन और परसेंटेज में होने के साथ साथ वो परसेंटेज किस में होनी चाहिए बेटा, पूर्णांक में, इन फॉर्म ऑफ इंटीजर्स में होनी चाहिए। किसके फॉर्म में होनी चाहिए बेटा, इंटीजर्स। अगर वो इंटीजर के फॉर्म में है, पूर्णांक के फॉर्म में है, परसेंटेज में डाटा है, तो आप संख्या को नहीं पता तो 100% मान लीजिए, क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। लेकिन अगर आपका दिए गए डाटा रेशियो के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में बेटा, रेशियो के फॉर्म में है, तो इसलिए आप अगर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए हर को खत्म करना। और अगर हर खत्म करना चाहते हो तो पहले से ही जो संख्या है उसको आप किसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, हर का गुणा। किसका गुणा सेट कर सकते हो बेटा, हर का गुणा। बोलो क्लियर है या नहीं है। तो अगर आपका जो डाटा है वो रेशियो के फॉर्म में है तो आप हर का गुणा मान लीजिए संख्या को। अगर आपका डाटा परसेंटेज में है और इंटीजर में डाटा दे रखा है तो आप बेहतरीन तरीके से संख्या को 100% मान लीजिए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिस क्वेश्चन के अंदर आपको रेशियो भी दे रखा होगा, परसेंटेज भी दे रखा होगा, मिक्स्ड डाटा होगा। तो जब डाटा मिक्स्ड हो, कैसा डाटा हो बेटा, मिक्स्ड, कैसा डाटा हो, मिक्स्ड डाटा। मिक्स्ड डाटा मतलब परसेंटेज के फॉर्म में भी हो, पूर्णांक में भी हो, फ्रैक्शन में भी हो, फ्रैक्शन में भी हो। तो ऐसे केस के अंदर क्वेश्चन अगर आपको आसानी से सॉल्व करना है तो आप बेहतरीन तरीका ये है कि संख्या को n मान लो। ज़्यादा बड़ा दिमाग मत लगाओ कि 100% मानेंगे या रेशियो हर का गुणा करेंगे, ऐसा कुछ मत करिए, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या। नाउ नेक्स्ट, तो एक बात तो ये है बेसिक्स के लिए, बेसिक्स के लिए आपको पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि परसेंटेज का रेशियो और रेशियो की परसेंटेज। देखिए बेसिक के लिए आपको बेटा गौर से सुनिए, बेसिक्स के लिए आपको सबसे पहला पार्ट तो ये क्लियर होना चाहिए, पहला पार्ट कि परसेंटेज की रेशियो रेशियो की परसेंटेज क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पार्ट आपको जो क्लियर होना चाहिए वो ये क्लियर होना चाहिए कि कब हमें संख्या अगर ना पता हो तो उसे मानने के तरीके आपको क्लियर होने चाहिए कि कब हमें क्या मानना मान लेना चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ तीसरी बात गौर से सुनिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात गौर से सुनना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, तीसरी बेसिक इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, वो गौर से सुन लीजिए, एक बात समझिए बेटा। हेलो यहाँ पे देखो, तो अगर मैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात करूँ तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कैलकुलेशन, किसकी बात होती है बेटा, कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको कैलकुलेशन आसान रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे वो कहे कि मान लो 500 का 30% निकालना है, कितने परसेंट निकालना है, 30%। तो बेटा सिंपल सी बात, एक बात गौर से सुन लीजिए कि परसेंटेज को जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो किसी के रिलेटिव में निकाला जाता है, परसेंटेज कभी एक्चुअल आंसर नहीं करती। जैसे कहने का मतलब, अगर मैं 30% ही निकालूं तो 30% अगर मैं 100 का निकालूं तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा। तो एक बात गौर से सुन लेना, जब भी परसेंटेज होती है तो वो दो जीरो लेके मरती है, क्योंकि परसेंटेज का होता है 1/100, तो 100 हमेशा दो जीरो लेके मरेगा। तो आपको कैलकुलेशन कभी करनी हो परसेंटेज की तो परसेंटेज अगर हटाओ तो दो जीरो हटा देना, तो 30 × 30 आएगा। लेकिन अगर आप वही 30% अगर आप 200 का निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो बेटा, 200 का, तो परसेंटेज दो जीरो लेके मरेगी तो 30 × 60 आएगा। देखो आंसर तो बदल गया ना। अब अगर मैंने 30% निकाला, मान लीजिए आपके 150 का, किसका निकाला बेटा, 150 का, तो मैंने क्या बोला, परसेंटेज कितनी जीरो लेके मरती है, 2, तो एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए, एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए, और 15 × 45। तो आपके ये भी कैलकुलेशन करने के तरीके आपको आने चाहिए। आप गौर से देखिए, परसेंटेज तीनों जगह एक ही है लेकिन आगे आने वाले आंसर जो है वो अलग अलग है। बोलो क्लियर हुआ। क्यों अलग अलग है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा डिपेंड करती है कि वो किसके रिलेटिव में निकाली जा रही है। परसेंटेज का आंसर क्या आएगा ये हमें कभी नहीं पता लगता, ये हमें तब पता लगता है जब हम उसके किसी के रिलेटिव में निकालते हैं। अगर हम उसे 100 के रिलेटिव में निकालेंगे आंसर 30 आएगा, 200 के रिलेटिव में निकालेंगे 60 आएगा,
और 150 के डेटे में निकालेंगे तो 45 आएगा। और दूसरी बात यह है कि परसेंटेज हमेशा कितनी जीरो लेके मरती है बेटा, 2 जीरो। अगर ये आपको चीज़ें पता है तो बहुत आसान रहेगा। और चौथी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, चौथी बात ये बता रहा हूँ कि जब भी परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन आएँ, परसेंटेज के कभी भी बेसिक क्वेश्चन आएँ, तो आप बेहतरीन तरीका ये है कि क्वेश्चन को भाषा के अकॉर्डिंग पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और जो जो वो कह रहा है उसे लाइन टू लाइन सॉल्व करते चलो, लाइन टू लाइन सॉल्व करो। बोलो क्लियर हुआ? जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते चलो और क्वेश्चन अपने आप बेहद आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो ये आपको 3-4 बातें बेसिक्स मैंने आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम कुछ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो अब मैं आप स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा आज की क्लास के क्वेश्चंस। तो आप बताइए पहला क्वेश्चन जल्दी फास्ट, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी फास्ट, पहला क्वेश्चन आप बताएंगे आंसर, सभी बच्चे जल्दी फास्ट आंसर बताइए। चलिए भाई देखिए बेटा हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, प्लीज सुनना। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बात और सुन लीजिए बेटा, जो का होता है का की के, अगर ये कभी वर्ड मिले तो इनका मतलब होता है गुणा। किससे होता है बेटा? गुणा से। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस का की के की जगह पर गुणा लगा देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा गौर से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है 1500 के, के का मतलब मल्टीप्लाई, कितने परसेंट? 60% के का फिर मल्टीप्लाई, कितने परसेंट बेटा? 350%। बोलो ये बात क्लियर है क्या? ये आपको निकालना है बेटा। आप बताइए एक परसेंटेज कितनी जीरो लेके मिलेगी? 2 जीरो, जबकि यहाँ परसेंटेज कितनी है? 2, तो कितनी जीरो लेके मिलेंगी बेटा? 4, तो 4 जीरो को हटा दीजिए, 1, 2, 3, 4, मोटा मोटा ये हटा दिया, तो गुणा कर दीजिए 15 6 90 और गुणा 35, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा 0 9 5 45 4 9 3 27 और 4 31। बोलो क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3150। समझ में आया क्वेश्चन? वेरी गुड, बताओ आंसर। एक मिनट, इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी फास्ट बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर से सुनिए। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, गौर से सुनना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याओं की बात हो रही है, हेलो, क्वेश्चन में बात कर रहा है कि दो संख्याएं हैं, वो किसी तीसरी संख्या से, बात सारी तीसरी संख्या के रिलेटिव में हो रही है, तो मैंने कहा तीसरी संख्या को मानना पड़ेगा यहाँ, तो तीसरी संख्या को आप कुछ भी मान लो। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो वो कह रहा है कि तीसरी संख्या से, तो एक बात गौर से सुनिए, मैंने अभी आपको बताया था कोई भी दो संख्याएं हैं पहली और दूसरी, इनकी बात की जा रही है तीसरी संख्या के रिलेटिव में, किसके रिलेटिव में की जा रही है बेटा? तीसरी संख्या के रिलेटिव में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, क्रमशः का मतलब पहली वाली पहला, दूसरी वाली दूसरा, 20% और 40% अधिक है बेटा, अधिक की बात कर रहा है, यानी पहली संख्या कितना परसेंट अधिक है बेटा? 20%, और दूसरी संख्या कितने परसेंट अधिक है बेटा? 40%। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? याद करिए मैंने आप, और फिर कह रहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है बेटा। एक बात बता दो, हेलो बेटा, हेलो गौर से सुनना, मैंने ये कहा कि दो संख्याएं हैं पहली और दूसरी और ये हो गई आपकी तीसरी, ये कह रहा है तीसरी संख्या से पहली संख्या तो 20% कम है, 20% क्या है बेटा? अधिक, और दूसरी संख्या इससे कितना परसेंट अधिक है बेटा? 40%। बोलो यही है क्या क्वेश्चन में? है ना, आप बताइए क्वेश्चन के अंदर तीसरी संख्या पता नहीं है तो माननी पड़ेगी, तो इसे आप 100% भी मान सकते हैं, एन भी मान सकते हैं, और आप क्या मान सकते हैं इसको, हर का गुणा भी मान सकते हैं, लेकिन आपको बताइए परसेंटेज और पूर्णांक में है डाटा, तो इसको तीसरी को क्या मान लें बेटा? 100%। अगर ये 100% है तो 100% से 20% अधिक कितने परसेंट बनेगा बेटा? 120%। अरे बनेगा,
और दूसरी संख्या इससे 40% अधिक है तो कितने बनेगी बेटा 140%। बोलो क्लियर है? अब आपसे कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, पहली का और दूसरी का अनुपात बताइए। तो यहीं की अगर अनुपात निकालूँ तो बेटा 20 से कट रहा है, पहले तो 0 0, 20 से अगर मैं काटूँ तो 20 छिकी 120 और 20 से 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 6:7। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन। बोलो संख्या मानने वाली बात क्लियर होगी? जब भी डाटा आपका इंटीजर में हो, परसेंटेज में हो, आप संख्या को 100% मान लीजिए, क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? वेरी गुड। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हो तो आप अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी फास्ट। जल्दी फास्ट। Please fast. क्वेश्चन बताइए बेटा आंसर क्या आएगा? हाँ तो देखिए भाई स्टार्ट करें बेटा। देखो आपको कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बस सिंपली भाषा पढ़नी है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स वाई से 30% क्या है बेटा कम, तो ये कह रहा है एक्स जो है वो वाई से 30% कम है। एक्स जो है वो वाई से बेटा कितने परसेंट कम है बेटा 30%। बोलो ये बोला क्वेश्चन में। ये कह रहा है तथा जेड एक्स से 50% कम है, तो एक संख्या जेड है जो इस एक्स से कितने परसेंट कम है बेटा 50%। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो एक अब आपसे कह रहा है कि जेड और एक्स, जेड और वाई के बीच में बात कर रहा है कि जो जेड है वो वाई से कितने परसेंट कम है, आपको परसेंटेज कमी निकालनी है। पहले तो ये बताओ यहाँ पर एक संख्या माननी पड़ेगी, संख्या पता नहीं है, तो आप बताइए कौन सी संख्या आप मान लें ताकि बाकी संख्या निकल आए बेटा, आप बताइए। तो आप कहेंगे यार वाई को मान लो। क्यों मान लो वाई को? क्योंकि वाई से आपका क्या निकल आएगा एक्स, और एक्स से क्या निकल आएगा जेड। बोलो क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? तो आप वाई को मानेंगे। अब मानने का क्या तरीका बेस्ट रहेगा बेटा आप खुद बताइए, बेटा आप खुद बताइए। यहाँ पर गौर से देखिए, ये परसेंटेज और पूर्णांक में डाटा है तो 100% मान लो, बेहद आसान तरीका रहेगा। तो वाई को अगर मैं 100% मान लूँ तो 100 से 30% कम कितना होगा बेटा 70%। अरे बोलिए यार। और 70 से 50% बेटा 50% होता है आधा, तो 35 हो गया। और ऐसे देखा लो परसेंटेज, 2 0 7 5 35 कम कर दो, 70 में से अगर 35% कम कर दिया तो कितने परसेंट बचेगा बेटा 35%। जस्ट आधा कम हो गया तो आधा ही बचेगा ना। अरे बोलिए यार। बोलो क्लियर हुआ? तो अब आपसे पूछ रहा है कि जेड जो है वो वाई से कितना कम है, तो कमी अगर निकालनी है बेटा, अगर कमी निकालनी है तो आप बताइए वाई से जेड देखना पड़ेगा तभी तो कमी आएगी। तो 35 जो है वो 65 से कितने परसेंट कम है बेटा 65%। अरे बोलिए यार। और 65% कम किस पे है बेटा 100 पर, और 100 पर जो निकल गया तो परसेंटेज है, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितने परसेंट आ गया बेटा 65%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट होगा बेटा डी ऑप्शन। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो आपको संख्या मानना समझ आ रहा है? संख्या मानना समझ आ रहा है? आसानी से चीज़ें क्लियर हो रही है? बहुत अच्छा बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। प्लीज फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये दूसरा क्वेश्चन है, कल कराऊंगा मैं, पहले इसे करो जल्दी फास्ट। बताइए आंसर। देखिए भाई बड़ा आंसर बताइए जल्दी फास्ट। देखो ये कह रहा है यदि ए बी से 25% कम है, मैंने कहा ए है वो बी से कितने परसेंट कम है बेटा 25%। तो अगर ए बी से अगर 25% कम है तो आप संख्या मान लो, मान लीजिए, तो बेटा आप बताइए बी को मान लेते हैं 100%। अगर बी को हम 100% मान लें तो 25 कम होकर बेटा ये कितना बचेगा 75%।
अगर हम काटें तो बेटा बताओ रेशियो कितना बनेगा, 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रेशियो ए कितना है बेटा 3 और बी कितना है बेटा 4। आपसे कह रहा है कि 2b - a / a का मान बताइए, तो आप कुछ मत करिए बेटा, आपको रेशियो निकालना है और रेशियो अगर निकालना है तो रेशियो के टर्म्स में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप बताइए बेटा b का मान कितना है बेटा 4, तो b का मान यहाँ पर 4 पुट कर दें और a का मान कितना है बेटा 3 यहाँ पुट कर दो, तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी 4 × 2 = 8, 8 में से 3 या तो कितना बचा बेटा 5 और a का मान कितना है बेटा 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना देगा बेटा 5/3। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा डी ऑप्शन। तो सारे ही एसएससी जीडी क्वेश्चंस हैं, एसएससी जीडी का लेवल यही रहता है, तो हम 3 दिन में परसेंटेज क्लियर करेंगे। पहले आज बेसिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं, जो भी बेसिक क्वेश्चंस आएगा उसे हम कंप्लीट करेंगे बेटा आज। जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आज निपटा रहे होंगे, ठीक है। कल थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ला रहे होंगे एसएससी जीडी के, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ले के आ रहे होंगे, ऐसे करके 3 दिन में हम परसेंटेज क्लियर कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ बेटा। चलिए नाउ बेटा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। आई वॉन्ट द आंसर फॉर दिस टू दिस क्वेश्चन बेटा प्लीज, सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हुआ आंसर बेटा प्लीज, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट मैं देखूंगा किसका आंसर आ रहा है बेटा, जल्दी बोलो। बताइए आंसर कितना आंसर आया बेटा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एसएससी जीडी। देखिए भाई गौर से सुनना क्वेश्चन क्या है, हेलो क्वेश्चन सुनना क्वेश्चन क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं ये मैं आपको पहले समझाता हूँ, गौर से समझना बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है, हेलो क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है ना वो सी का कॉमन है मल्टीप्लाई, सी का 20% है, कितने परसेंट है बेटा सी का 20% है, कौन ए। ये कह रहा है आगे यदि बी सी का 40% है, यदि बी जो है वो सी का कॉमन है मल्टीप्लाई कितने परसेंट है बेटा 40%, तब ये कह रहा है कि बी का 150% क्या होगा, बी का कितने परसेंट निकालना बेटा 150%। अरे क्लियर हुआ, तो एक बात सुनिए बेटा, हेलो सुनिए, हेलो बी का 150% क्या आएगा, तो एक आंसर तो यहाँ से निकाला जा सकता है, कैसे, बी का मान डायरेक्टली पता है, बी का मान कितना बेटा एक बात बताइए, हेलो। यहाँ से अब क्वेश्चन दो तरह से सॉल्व हो सकता है अगर चाहें तो हम, तो आप बताइए बी की वैल्यू डायरेक्टली ये दे रखी है, अरे बोलो, तो दोनों तरफ अगर 150 का मल्टीप्लाई कर दोगे, बी इंटू 150 ही तो निकालना है आपको क्वेश्चन में, किसकी वैल्यू निकालनी है बी इंटू 150%, बोलो यही है क्या, अरे यही है क्या, तो एक तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, बी का मान ये पता ही है, बी में डायरेक्ट दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो बी इंटू 150% बराबर हो जाएगा सी इंटू 40% इंटू 150%, बोलो यही हो जाएगा। आप बताइए जल्दी फास्ट बेटा, परसेंटेज 2 जीरो लेके मरेगा एक परसेंटेज, 15 × 60, तो एक तरह से आंसर आ जाएगा सी का 60%। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि जिसमें सी का 60% लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सी के रिलेटिव में जो जो आंसर है वो तो है गलत, तो बच्चा ए के रिलेटिव में बात है, तो इसका मतलब अब ये बात हुई कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली किस पर सोचना चाहिए बेटा, ए के बारे में, तो ए को कैसे लेके आए, तो ए को लेके आए तो बेटा सी वाले ऑप्शन तो हो गए गलत, सी वाले ऑप्शन गलत हो गए तो ए के टर्म्स में लाने का बेहतरीन तरीका सी को खत्म करो और सी दोनों इक्वेशन से खत्म डिवाइड करके हो जाएगा, तो इसको क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि सी से सी हटा दो, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो ए अपॉन बी बराबर 20 × 40, तो बेटा ये आ जाएगा 1/2, तो सही बात है, तो B का मान किसके बराबर आ गया बेटा बताइए 2A के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया 2A के, और आपको निकालना है B का 150%, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 150 से, तो B इंटू 150% बराबर 2A इंटू 150%, बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 150 से होगा तो आंसर आएगा 300% इंटू A, ये बचेगा, तो ये एक आंसर है, क्या ये आंसर किसी ऑप्शन में है क्या, तो आप कहेंगे सी में है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये भी राइट है, तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर राइट हो सकते हैं, या तो ये आंसर राइट होना चाहिए या फिर आंसर राइट होना चाहिए डायरेक्ट बी का 150% बराबर सी का 60%, ये भी सही था इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, वैसे ये भी सही था लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था,
तो आंसर ये राइट होगा, बात खत्म, उतार लीजिए जल्दी फास्ट। अरे क्लियर है, तो बहुत बार आपको ऐसे करना पड़ेगा बहुत ही आसान तरीके से, तो आपको मैंने बहुत आसान तरीके बताया, बोलो क्लियर हुआ सबको। चलिए भाई मेरे हिसाब से बेटा, हेलो तुम सबके सब जितने भी ऑनलाइन हो लाइव देख रहे हो, आई थिंक सबका जो आंसर है ना बस वो यही आ रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, अगर सी के टर्म्स में बात करता तो आंसर डायरेक्टली सी का 60% हो जाता, डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 150% डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ये ऑप्शन बन जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन है नहीं इसलिए ये गलत है, तो आंसर राइट होगा ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बहुत आसान तरीके से बस इक्वेशन से वहीं की वहीं सोच के खत्म करना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फास्ट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए आप। बड़ा जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इससे पहले भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है। देखो अभी थोड़ी देर पहले ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था। देखो इसका एक दूसरा तरीका ही बता देता हूँ, कि पहले वाले क्वेश्चन में तो एक तरीका बता ही चुका हूँ, इस वाले ऐसे क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी उड़ा रहा हूँ। आप बताइए दो संख्याएं जो हैं वो तीसरी के रिलेटिव में डिफाइंड है, और बात उन्हीं दोनों संख्याओं के अनुपात की गई है, तो आप कुछ मत करिए, आप दोनों संख्याओं को डायरेक्ट लिख दीजिए। आप ये भी काम कर सकते हो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या डायरेक्ट कितना बनेगी, तो गौर से सुनना। आप बताओ तीसरी से पहली वाली 25% अधिक है, अगर 25% अधिक है तो बेटा कितने परसेंट बन जाएगी, 125% किसका बन जाएगी बेटा, थर्ड वाली संख्या का रेशियो, 125% किसका, थर्ड वाली संख्या। और दूसरी वाली संख्या आप बताइए कितने परसेंट अधिक है, 50%, तो ये बन जाएगी 150% किसका, 50% बढ़ के 150% ही बनेगा, पर किसका 150%, तीसरी का, कि तीसरी के रिलेटिव बात कर रहा है। तो अब डायरेक्ट बताइए बेटा थर्ड थर्ड संख्या कटी और 25 से डायरेक्ट काट दीजिए, 25 पंजे 125 और 25 की 150, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट अनुपात आ जाएगा 5:6। तो ये भी एक तरीका है, इससे पहले मैंने संख्या मान के किया था, बोलो क्लियर है। अच्छा अच्छा यहाँ पे एक गलती है बेटा, ये कह रहा है दूसरी से पहली का अनुपात, अच्छा उल्टा पूछ रहा है, तो बेटा ये आंसर राइट नहीं होगा, ये आंसर राइट नहीं होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है दूसरी का पहली से अनुपात बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा उल्टा 6:5, तो ये आंसर राइट नहीं होगा बेटा, सो सॉरी फॉर दैट, मैंने भाषा ढंग से पढ़ी नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा ए ऑप्शन, क्योंकि ढंग से पढ़ लेना बेटा, भाषा उल्टी पूछी हुई है, दूसरी से पहली का अनुपात, तो दूसरी से निकालना है, मतलब दूसरी पहले बतानी है और पहली बाद में बतानी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए राइट होगा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट, आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जल्दी फास्ट, इसमें भी संख्या नहीं पता माननी पड़ेगी। बेटा जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट होगा बेटा जल्दी बोलो। तो देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया, गौर से सुनना, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हमें संख्या नहीं पता है कि इससे गुणा करना था, इससे गुणा कर दिया, हमें संख्या नहीं पता, अगर संख्या नहीं पता तो संख्या माननी पड़ेगी ना, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। तो ये कह रहा है रोहित एक लड़का है जिसे किसी संख्या में, अब संख्या का पता नहीं है तो संख्या माननी पड़ेगी, और संख्या माननी पड़ेगी तो तीन तरीके हैं, या तो एन मान लो, या फिर 100% मान लो, या रेशियो के अकॉर्डिंग हर का गुणा मान लो। तो ये क्या कह रहा है, रोहित ने किसी संख्या, अब एक संख्या है वो संख्या मुझे पता नहीं है, यदि एक संख्या को दो से भाग करने को कहा गया, यानी इस संख्या में दो से भाग करना था, बोलो क्लियर है, लेकिन दो से भाग करने के बजाय उसी संख्या एन में उसने कितने से गुणा कर दिया बेटा, दो से, अरे क्लियर है, दो से भाग करना था लेकिन उसने दो से गुणा कर दिया कोई एक संख्या में, तो ये कह रहा है कि जो परिणामी संख्या का मान है वो कितना प्रतिशत है, यानी जो भी संख्या आई है वो पहली वाली संख्या का कितना परसेंट है ये बतानी है। तो एक बात बताइए पहले संख्या निकाल लें, आसानी से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आसानी से निकाल लो, तो यहाँ पे डाटा फ्रैक्शन में दे रखा है या परसेंटेज में दे रखा है, फ्रैक्शन में, और अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो बेहतरीन तरीका ये है कि संख्या को आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मान लो, अरे क्लियर है। तो आप बताइए बेटा आपको फ्रैक्शन में नीचे कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ दो, और यहाँ कौन दिखाई दे रहा है बेटा, नीचे एक, तो इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा बेटा दो, तो संख्या को अपने अकॉर्डिंग दो मान लो, क्या मान लो बेटा दो,
तो इसका मतलब दो में वो दो से भाग करना चाहता था, मतलब वो आंसर कितना निकालना चाहता था बेटा, एक। लेकिन आंसर आ कितना गया, दो में दो का गुणा करके आंसर कितना आ गया बेटा उसका, चार। तो यानी कि एक निकालना चाहता था, निकल कितना गया बेटा, चार। तो आपको परसेंटेज बताना है, परिणामी को आंसर को कैसे बताना है, परसेंटेज, परसेंटेज यानी सौ के रिलेटिव में। तो दोनों तरफ सौ का गुणा कर दो तो आप इसे सौ की जगह पर एक तरह से चार सौ मिल रहा है। तो सौ के रिलेटिव में जो आंसर आता है उसे परसेंटेज कहते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितने परसेंट आ गया, डायरेक्ट 400%। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा बेटा, डी ऑप्शन, उतारिए, बेहतरीन तरीका। समझ गए आप? तो यहाँ पे संख्या को मान लीजिए आप, किसके अकॉर्डिंग मान लीजिए बेटा, दैट इज फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो जैसे आप संख्या को फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मानेंगे, क्वेश्चन आसानी से खत्म आएगा, क्योंकि आपको दो और एक खत्म करना है, दो और एक खत्म करना है। तो दो का गुणा, दो एकम दो, तो दो जैसे मानेंगे तो संख्या आनी चाहिए थी बेटा एक, लेकिन आई कितनी, दो दूनी चार। तो एक की पर अगर चार आ रही है तो कितने परसेंट आ रही है, एक तरह से चार गुना, और चार गुना का मतलब 400%। अगर शुरुआत में 100% थी तो वो चार गुना होकर 400% बन जाएगी। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए बेटा, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो तो अगला क्वेश्चन बताएंगे जल्दी फास्ट बेटा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू बेटा, जल्दी फास्ट अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बेटा आ गया सभी का? चलिए, ये भी बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है। आपको रेशियो दे रखा है शुरुआत में, और उसमें कितनी वृद्धि हो रही है ये दे रखा है। आपको डायरेक्टली वृद्धि होने के बाद का अनुपात बताना है। तो बस करते हैं स्टार्ट। देखो ये कह रहा है एक विश्वविद्यालय में साइंस, मैथ और लैंग्वेज, साइंस, मैथ और लैंग्वेज के अंदर छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है बेटा, आप बताइए। 2:4:9 है। बोलो क्लियर है? अब ये क्या कहना चाह रहा है बेटा, गौर से सुनना। ये कह रहा है कि यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों में कितने परसेंट वृद्धि होती है, यहाँ पे होती है 10% वृद्धि, यहाँ होती है 20% और यहाँ होती है 40%। तो आप बताइए, ये कह रहा है वृद्धि होने के बाद का नया अनुपात। तो बताइए साइंस के स्टूडेंट में वृद्धि कितनी की हो रही है बेटा, 10 की। अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो 100% अगर वो पहले थे, 100% किसके बराबर है बेटा, 2 के। तो 100% अगर थे पहले तो 10% अगर बढ़ा तो कितने परसेंट हो गया बेटा, 110%। अरे क्लियर है? कितने परसेंट हो गया बेटा, एक तरह से 110%। तो शुरुआत में जो रेशियो था वो रेशियो कितना था, दोबारा लिख देता हूँ बेटा मैं, 2:4:9। अब आप बताइए जल्दी फास्ट बेटा, बताइए शुरुआत में 2 था और उसमें 10% बढ़ा तो कितने परसेंट हो गया बेटा, एक तरह से 110%। बेटा आप बताइए मैथ वाले छात्र में कितने परसेंट वृद्धि हुई, 20%। यानी पहले 100% था, 20% बढ़ गया तो कितने परसेंट हो गया बेटा, एक तरह से 120%। बोलो क्लियर हुआ? अब वो कह रहा है कि इसमें कितनी परसेंट वृद्धि हुई, 40%। तो पहले अगर 100% था, 40% बढ़ा तो कितने परसेंट हो गया बेटा, 140%। अब आप बताइए बेटा, परसेंटेज जीरो उठा दो। बोलो क्लियर हुआ? तो बेटा अनुपात कितना हो गया, आप बताइए जल्दी फास्ट। 2 से भी कट रहा है, 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = 14। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या बचा बेटा, 11, और यहाँ से बचा 12 × 2 = 24, और बेटा यहाँ से कितना बचा, 9 × 7 = 63। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, 11:24:63। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा, डी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ क्या? बेटा समझ आ रहा है ना सबको? मैं वो सॉल्यूशंस करा रहा हूँ जिनको सॉल्यूशन से आपको बहुत आसान लगे और नॉर्मली आपको समझ आ जाए, ज़्यादा आपको कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। अगेन बेहतरीन क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, आंसर बताइए जल्दी फास्ट। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन को क्लियर करिए जल्दी फास्ट। बताइए बेटा आंसर। बेटा आगे क्या,
देखो देखो बेटा, ये कह रहा है यदि किसी संख्या, अब संख्या पता ही नहीं है, अगर संख्या नहीं पता तो संख्या माननी पड़ेगी। अब ये कह रहा है किसी संख्या का 40% जब उसी संख्या से घटाया जाता है जो भी वो संख्या थी तो 108 प्राप्त होता है, तो बताइए वह संख्या क्या थी। बेटा आप बताइए, क्वेश्चन के अंदर संख्या दे नहीं रखी और सारी बात उसी संख्या के बारे में की जा रही है, तो संख्या को मानना बहुत ज़रूरी है। और संख्या को मानने वाली बात तीन तरह से हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बोला था, जब भी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज और पूर्णांक में डाटा हो तो आप संख्या को 100% मान लेना, क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाएगा। तो संख्या को मान लीजिए कि संख्या हमारे अकॉर्डिंग कितने परसेंट है बेटा बताइए, 100। संख्या को 100% मान लो और जैसे जैसे वो कह रहा वैसे क्वेश्चन में कर दो। तो वो कह रहा है किसी संख्या का 40% जब उस संख्या में से घटाया गया, तो बेटा संख्या कितनी है बेटा हमारे अकॉर्डिंग 100, और उसमें से उसका 40% घटाया गया, घटा दिया संख्या में से 40% घटा दिया, तो ऐसा घटाने से संख्या कितनी मिली बेटा आप बताइए, 108। बोलो ये कह रहा है क्वेश्चन में, तो बताइए अगर 100% में से 40% जाएगा तो कितने परसेंट बचेगा बेटा, 60%। तो 60% आपका सीधा सीधा किसके बराबर है बेटा, 108 के बराबर। बोलो क्लियर हुआ। अगर मैं दोनों तरफ 6 से काट दूँ, अगर यहाँ पे दोनों तरफ अगर मैं 6 से काट दूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उस संख्या का 10% सीधा सीधा 6 एकम 6 और 4 बचा 6 8 48, तो क्या मैं कह सकता हूँ उस संख्या का 10% सीधा सीधा 18 है। अगर उस संख्या का 10% सीधा सीधा 18 है तो वो कह रहा है वह संख्या बताइए, तो बेटा बताइए वो संख्या मैंने मानी कितनी थी, 100%। तो 100% निकालना है, 10% आपको पता है, अगर 100% बना है तो दोनों तरफ 0 लगा दो, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर कितने परसेंट आ जाएगा बेटा, 180%। बोलो क्लियर हुआ क्वेश्चन में, उतारिए। तो इसका मतलब मैंने आपको जो बताया वो बेहतरीन है, यानी कि अगर आपको डाटा परसेंटेज और पूर्णांक में दिया जाए तो क्वेश्चन में संख्या को 100% मान लेना अगर ना पता हो तो, और अगर ऐसा आप ऐसा कर रहे होगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यही मेरा उद्देश्य था आपको बताने का। बोलो क्लियर हुआ आपको। तो कहने का मतलब जहाँ भी परसेंटेज और पूर्णांक में डाटा दिखे वहाँ पर आप संख्या को 100% माने, क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन में हो तो हर का गुणा मान लें तो बहुत आसान लगेगा, और अगर दोनों ही कॉम्बाइंड फॉर्म में आ जाए तो फिर संख्या को आप एन मान लेना तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर हुए हैं। तो चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी के सभी। देखो आंसर बताइए क्या कह रहा है, बताओ बेटा आंसर। देखो अगली बार फिर क्वेश्चन कैसा कैसा दे रखा है, देखो ढंग से, एक ही लाइन में खत्म करना है क्वेश्चन आपको, करिए खत्म। आपको क्वेश्चन बेटा एक लाइन में खत्म करना है, आप क्वेश्चन खत्म करिए। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। बड़ा क्लियर है, देखो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक संख्या है संख्या पता नहीं है, उसका 40% उस संख्या के 1/4। बेटा आप बताओ 1/4 अगर हम संख्या को 100% मान भी लें तो आसानी से फ्रैक्शन ना बनके परसेंटेज इंटीजर में बनेगी, 100 का 1/4 कितना होता है, 25%, तो सिंपल इंटीजर में ही है, 105 अधिक है तो संख्या और उस संख्या के 35% में अंतर क्या होगा। तो एक बात बताइए बेटा क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको क्वेश्चन में डाटा परसेंटेज और पूर्णांक में दे रखा है तो क्वेश्चन में आप संख्या को क्या मान लें बेटा आप बताइए, 100% तो आप इस संख्या को 100% मान लो, कितना मान लो बेटा 100%। अब क्वेश्चन को एक ही खत्म करते हैं, ये कह रहा है किसी संख्या का 100% का 40%, तो 100% का 40% होता है 40% उस संख्या के 1/4, तो उस संख्या का मतलब 100% का 1/4 कितना बनेगा, 25%। तो जो 40% है वो 25% से कितना ज़्यादा है बेटा, यही आपको दे रखा है, कितना अधिक है, अधिक का मतलब माइनस मतलब अंतर, तो इन दोनों का जो अंतर है वो सीधा सीधा किसके बराबर दे रखा है बेटा, 105। तो बताइए दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 15। तो 15% सीधा सीधा इस क्वेश्चन में कितने के बराबर है बेटा बताइए, 105 के बराबर। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है संख्या और उस संख्या के 35% का अंतर बताइए बेटा बताइए। हेलो बेटा प्लीज़ देखना, तो बताइए संख्या कितने परसेंट है बेटा, 100%, और 35%
उसमें से घटाना है, तब जाके अंतर बताना है। इसलिए कितने परसेंट की वैल्यू बतानी बेटा आपको, 65% का मान निकालना है। तो बताइए 15% अगर इतना है तो दोनों तरफ अगर मैं मान लीजिए 3 से काट दूं, किसके काट दूं बेटा, या फिर 15 से काट दूं, 15 एकम 15 और 15 सत्ते 105, तो इसका मतलब सीधा सीधा 1% 7 के बराबर है। और अगर 1% 7 के बराबर है तो आपको कितना परसेंट निकालना है बेटा, 65। अगर आपको 65% निकालना है तो दोनों तरफ कितने से गुणा कर दीजिए बेटा, दोनों वैल्यूज को कितने से गुणा कर दीजिए, 65 से। तो सीधा आंसर आपको 65% मिल जाएगा। तो बेटा 65 से अगर गुणा करते हैं तो सीधे सीधे 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 42 और 3 = 45। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 455। तो बेहद आसान है। अगर कभी संख्या ना दे रखी हो और संख्या आपको अगर माननी पड़े और डाटा अगर पूर्णांक में और परसेंटेज में हो तो आप संख्या को कितने परसेंट मान लें बेटा, 100%। अगर आप संख्या को 100% मान लेंगे तो क्वेश्चन आपका बेहद आसान तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सर क्लियर हुआ? बस मेरा मेन मोटिव बस यही है ताकि आपका क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से ख़त्म हो, आपको ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी हाई स्टडी करनी पड़े एक परसेंटेज के छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आपको ये दिख रहा होगा ये सारे ही क्वेश्चन एसएससी जीडी के हैं, इसका मतलब ये है कि हमें एसएससी जीडी के परसेंटेज क्लियर करने के लिए हमें ज़्यादा हाई अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल अप्रोच अगर हम लगाते हैं और उन क्वेश्चन को उन सिंपल अप्रोच को अगर क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं तो क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और हम बेसिकली 3 दिन के अंदर वैसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे ताकि कोई दिक्कत हमें आ नहीं रही होगी। बोलो क्लियर है बेटा? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी फास्ट। बेटा ये क्वेश्चन बताइए जल्दी फास्ट, ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले बताया था शायद, जल्दी बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी, ऑल ऑफ यू। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी के सभी प्लीज फास्ट। देखिए मैं आपसे पहले बोल दे रहा हूँ, अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम्स के अंदर परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाते। हाई लेवल के क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाते हैं परसेंटेज के, जैसे बैंकिंग का मेंस है या फिर आपका एचसीजीएल का मेंस है वहाँ पूछे जाएंगे, या फिर सीजीएल के प्री में क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा। लेकिन बाकी सभी लो लेवल एग्जाम्स में अंदर इतना कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस बेसिक नॉलेज ऑफ परसेंटेज होनी चाहिए। और वही बेसिक नॉलेज ऑफ परसेंटेज मैं आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू दे दे रहा हूँ जिससे आपकी बेहद आसान हो जाएगी परसेंटेज। बोलो क्लियर है बेटा? चलिए तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, गौर से सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में ए और बी दो संख्याएं हैं और जो ए है वो बी से 20% कम है। तो अगर 20% कम है तो आप बताइए, अगर मैं संख्या को 100% मान लूँ तो सीधा सीधा बेटा आप बताइए ये कितना बन जाएगा, 80%। और अगर मैं 20 से ही काट दूं तो मैं एक तरह से रेशियो बोल सकता हूँ 4:5। आप कहेंगे रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो रेशियो पूछ रहा है। अगर वो रेशियो पूछ रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे। रेशियो को पूछ रहा है 2b - a / a का मान, तो b का मान कितना बेटा 5, a का मान कितना आया 4, और a का मान क्या पुट कर दूं बेटा मैं 4, तो 5 × 2 = 10, 10 में से 4 गया तो 6 बचा और बटे बेटा ये क्या आ गया आपका 4। बोलो यही आ गया। और अगर मैं 2 से काट दूं तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो कितना राइट हो जाएगा, 3/2। आप देख लें क्वेश्चंस के अंदर हाई लेवल ऑफ परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आप जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप कोशिश ये करिए कि क्वेश्चंस के अंदर आप सिर्फ ये अप्रोच देखिए कि एग्जामिनर की कोई हाई लेवल अप्रोच नहीं है परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जितनी हम लेवल ऑफ परसेंटेज को सोच के चलते हैं कि हाँ ये लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा होता है एग्जाम्स में। एग्जाम्स में बहुत बेसिक नॉलेज ऑफ परसेंटेज पूछी जा रही होती है और बेसिक नॉलेज ऑफ परसेंटेज यहाँ से क्लियर भी हो जाएगी आपकी। क्लियर है बेटा? तो इसी बात को क्लियर कर रहे हैं हम अगले क्वेश्चन में। बेटा अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी फास्ट। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी पूछ रहा है परसेंटेज के, इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ परसेंटेज होना बहुत ज़रूरी है। हो गया? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एस टी का 160% है तो टी एस का कितने परसेंट होगा। एक बात बताइए बेटा, क्वेश्चन में कुछ मत करिए, जैसा जैसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है ना, एक काम करिए जैसा जैसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है ना वैसा वैसा काम कर देते हैं, जैसा जैसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा वैसा काम कर देते हैं। तो अब बताइए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एस जो है
वो टी का 160% है, 160/100, ऐसे कर दीजिए। अगर किसी बच्चे को परसेंटेज के फ्रैक्शन नहीं आते हैं तो आप इतना तो लिख ही पाएंगे ना, तो जीरो से जीरो हटाइए और दो से काटेंगे तो बेटा 8/5 आ जाए। अरे इतना बात क्लियर हुआ? तो कह रहा है कि टी एस का कितने परसेंट है, तो इसी बात को उल्टा पूछ रहा है वो, तो टी का वैल्यू पूछ रहा है, तो टी जो वैल्यू बनेगी वो 5/8 × s ये बनेगी ना। और आप बताइए टी एस का कितने परसेंट है, तो ये रेशियो आपको मिल गया, बस इसी रेशियो, यही आपका आंसर भी है, लेकिन आपको यही रेशियो में आंसर बताना है या परसेंटेज में बताना है? परसेंटेज, तो 5/8 और परसेंटेज निकालनी है तो गुणा 100 कर दो, आपका आंसर आ चुका है बेटा। 4 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार ये कटेगा और 25 बार ये कटेगा, तो 25×125/2% ये मेरा आंसर होगा। और 2 से अगर हम काटते हैं तो बेटा ये आंसर आएगा 2×6=12, 2×2=4, तो आंसर आएगा 62.5%। बोलो क्लियर हुआ क्या? क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जो 62.5% है? तो ये हो गया आपका आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं आपको बस आज ये सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस के अंदर, बेसिक क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई हेडक नहीं लेनी, कोई दिक्कत नहीं लेनी। और अगर इससे ऊपर लेवल पर भी आएंगे जो हमने कल और परसों सॉल्व करने हैं, तो उनमें भी आपको हेडक नहीं लेनी। मैं आपको जो तौर तरीके बताऊँगा, बेसिक्स वही लगा देना, क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बेटा? ज़्यादा बड़ी हेडक नहीं पालनी कि हमें बहुत बड़ी एक स्टडी करनी पड़ेगी उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी बोलिए बेटा। बताइए आंसर। नॉर्मली जैसा वो कह रहा है वैसा काम कर दो, बहुत आसान तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है? मैं कोई हाई लेवल अप्रोच नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, बहुत आसान सी अप्रोच बता रहा हूँ ताकि चीज़ें बहुत आसान थी। चलिए बेटा एक काम करिए बेटा, आप बताइए पी क्यू से 40% कम है, क्या इस परसेंटेज से हम इन दोनों का रेशियो सेट कर सकते हैं? तो आप इनका रेशियो सेट कर दीजिए पी और क्यू का। ये कह रहा है कि क्यू जो है, पी जो है वो क्यू से 40% कम है, इसका मतलब बेसिक सी बात है कि क्यू अगर 100 है तो बेटा ये आपका 40% कम होकर 60 बनेगा, और 20 से अगर मैं काटूँ तो 20×3=60 और 20×5=100। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? फिर ये कह रहा है कि क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है, और आप नाम भी ना देखें सिर्फ ये देखें परसेंटेज वृद्धि बतानी है, तो परसेंटेज वृद्धि कहाँ से कहाँ आएगी बेटा? वृद्धि कहाँ से कहेंगी? 3 से 5, 3 से 5, तो कितनी वृद्धि हो रही बेटा आप खुद बताइए, 2 की। कितने की वृद्धि हो रही बेटा? 2 की। बस आप मोटा मोटा देख लो, नाम को देखो ही मत, आप ये चेक करो कि आपको वृद्धि निकालनी है कमी निकालनी है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर वृद्धि निकालनी है, तो वृद्धि कहाँ से कहाँ हो रही है बेटा? 3 से 5, तो 3 से 5 कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। और 2 की वृद्धि कितने पर हो रही है बेटा? बस ये चेक कर लो 3 पर, तो आप कहेंगे 2 की वृद्धि कितने पर बेटा? 3 पर, और गुणा 100। बस कुछ मत करिए, आंसर हो गया आपका बेटा एक आता है 1/3 कितना होता है? 33/3, और 2 गुना करेंगे तो आंसर आएगा 66/2/3%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, बेसिक आपको नॉलेज अगर है तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 66/2/3%, मतलब 66.66। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? चलिए भाई, अगर आपको ये वाली बात क्लियर हो गई हो तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, जल्दी आंसर बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी आंसर बता दीजिए। सेम क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से करा रहा हूँ आज क्वेश्चन, मैं आपको कोई लेवल अप्रोच कोई नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत आसान तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है? आज के बेसिक क्वेश्चन का बेटा ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ और उसके बाद ओवर कर रहा हूँ, ठीक है? आज की बेसिक क्लास का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? और इसके बाद हम मिलेंगे कल बेटा आपके, ठीक है? जल्दी फास्ट आंसर बताइए। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से सुनना। पहली जो लाइन है बेटा वो आपको रिलेशन बता देगी, क्योंकि परसेंटेज दे रखा है। तो बताइए एक्स है और वाई है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स जो है वो वाई से 80% अधिक है, 80% अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 100% है तो आप बताइए ये कितने परसेंट है बेटा? 180% है। अगर आप 0 से 0 हटा लें और 2 से अगर काटें तो बेटा 2×9=18 और 2×5=10। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, कमी निकालनी है, तो बेटा कमी कहाँ से कहाँ हो रही है बेटा? 9 से 5 या 5 से 9, तो आप कहेंगे कमी होगी 9 से 5। कितनी कमी होगी बेटा? 4 की, और 4 की कमी कितने पर होगी? 9 पर। तो बताइए 4 की कमी होगी बेटा 9 पर, और गुणा 100। आप बताइए, मैंने क्लास में भी समझाया था आपको 1/9 कितने परसेंट होता है? 11/1/9, और गुणा किससे होना बेटा? 4 से, 11×44, यानी अप्रॉक्स आंसर आएगा 44/4/9%। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा 44.44%।
अरे बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो भाई, आपको अगर चीज़ें क्लियर हो गई हो तो मैं इस क्वेश्चन को लेके बढ़ता हूँ आगे, और आज की क्लास का ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, जल्दी फास्ट। इसके बाद आपकी जितेंद्र सर की क्लास होनी है साइकोलॉजी की, वो आएंगे बेटा, आप तो साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए भाई, बेटा जितने भी बच्चे हैं वो गौर से सुन लीजिए, अब आपकी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस होगी, ठीक है? इसके बाद जितने भी टेट वाले स्टूडेंट हैं वो गौर से सुन लें, आपकी नेक्स्ट क्लास साइकोलॉजी की है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपकी नेक्स्ट क्लास बेटा साइकोलॉजी की है, और जितेंद्र सर आपको साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है? तो प्लीज़ आप जुड़े रहें, ठीक है? वो अभी आने वाले हैं, मेरे जस्ट बाद उनकी ही क्लास है, और वो वैसे भी यहाँ पे आ चुके हैं एट प्रेजेंट, ठीक है बेटा? ओके, चलिए मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है बेटा? यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है गौर से सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छात्र ने 4/5 की बजाय 5/4 से किसी एक संख्या में गुणा कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक संख्या है वो पता ही नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है वो पता ही नहीं है क्या है। वो कह रहा है कि इस संख्या के अंदर जो भी ये संख्या है इसमें गुणा करना था 4/5 से, लेकिन इसी संख्या में गुणा कर दिया उस बंदे ने 5/4 से। तो अब आप बताइए, गुणा करना किसी और से, कर किसी और से दिया, तो भाई सर एरर आएगा नहीं आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, और अगर एरर आएगा तो वही आपकी त्रुटि बनेगी। बस आपसे क्वेश्चन में बस ये पूछा गया कि गणना के दौरान जो प्रतिशत त्रुटि हुई वो क्या हुई, यानी कि बढ़ा हुआ है तो कितने परसेंट बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है तो कितने परसेंट घटा हुआ है। तो आप बताइए बस इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है और आसानी से सॉल्व करना है तो संख्या को मान लें ताकि रिजल्ट जल्दी आ जाए और क्वेश्चन आसानी से खत्म हो जाए, और संख्या को अगर मानना है तो फ्रैक्शन में अगर डाटा हो तो हर को ख़त्म करने के लिए आप हर के मल्टीपल का गुणा मान लो। तो हर में नीचे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 × 20, तो अपने अकॉर्डिंग ये मान लीजिए कि वो जो संख्या है बेटा वो कितनी है हमारे अकॉर्डिंग 20। अगर वो संख्या 20 है तो बेटा 5 से 20 कटेगा, 4 × 4 = 16 है, इसका मतलब उसे मिलना चाहिए था बेटा 16, लेकिन मिला कितना बेटा बताइए, 4 × 20 = 25, इसका मतलब 16 मिलना चाहिए था, मिला उसे 25। तो ज़्यादा मिला कम मिला? ज़्यादा। कितना ज़्यादा मिला बेटा? 9, और 9 की वृद्धि कितने पर हुई बेटा बताइए, 16 पर, और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 कर दीजिए, और 4 से कटेगा 25 बार, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 225/4%, और 225/4% को अगर 4 से काटते हो तो आपका आंसर परसेंटेज आएगा 4×5 = 20, 4×6 = 24, सही 1/4%। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है बेटा वो आने वाला है 56, सही 1/4%। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है 4/5 की बजाय 5/4 से किसी एक संख्या को गुणा किया गया? बेटा इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, ठीक है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं, आई थिंक सो, इसने क्वेश्चन में उल्टा बोल दिया, ठीक है? इसे बोलना क्या चाहिए था, इसका मतलब ये पहले करना चाहिए था, और इसे अगर बाद में करता तो इसका आंसर 44% आ सकता था। तो कैसे, 9 अगर 25 पर होता तो 25 × 100 = 9 × 36, तो 36% शायद ऑप्शन में दिख रहा है ना? बट ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, करेक्ट ऑप्शन ये कर लेना बेटा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या को गुणा किया, 4/5 से करना था, 5/4 से गुणा कर दिया। बोलो क्लियर है या नहीं है? इसलिए त्रुटि आई, वो कह रहा है गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं, और इसमें बोनस मार्क्स मिला होगा। जब भी ये क्वेश्चन गलत आता है एग्जाम में, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है ऑप्शन नहीं होते तो उसका बोनस मिलता है, तो इस क्वेश्चन का बोनस मिला होगा सबको, ठीक है? जब भी इस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया होगा ये, ठीक है? तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा बेटा बताइए, 56 से 1/4%, ठीक है? अगर इसको उल्टा क्वेश्चन में बोलता तो आपका आंसर सही होता। कैसे सही होता? हाँ, अगर इसको उल्टा करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को उल्टा कर देते तो आंसर सही हो जाता। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप उल्टा सॉल्व कर देते तो आंसर सही हो जाता, देखो कैसे। हेलो, देखो यार, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक संख्या है, मैं करके बता दे रहा हूँ सबको, अगर एक संख्या है उसमें गुणा करवाने की बात करता है इससे 5/4 से, लेकिन 5/4 से गुणा करना होता है, लेकिन अगर वो गलती से इसी संख्या के अंदर गुणा कर बैठता 4/5 से, तो अब ऑप्शन वाली बात सही आ जाएगी। तो देखो भाई, 4 और 5 खत्म करना है तो संख्या को क्या मान लें बेटा हम, 20। अगर संख्या को हम 20 मान लें
तो चार पंजे 20 और पाँच चौका 20, तो बेटा ये मिलना चाहिए था 25, लेकिन मिल गया आपको रिजल्ट 16, इसका मतलब 9 कम हो गया, और 9 कम कितने पे हो गया 25 पर, तो 9 की कमी 25 पर, और परसेंटेज लिए गुणा 100, तो 25 चौका 100, तो 9 चौक 36%। अब आपका ए ऑप्शन राइट आ रहा होगा, ठीक है, जबकि क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक छात्र ने 4/5 के बजाय 4/5 के बजाय 5/4 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो आंसर यही राइट होगा, 56 सही 1/4, बाकी वो गलत होगा। बोलो क्लियर हुआ बेटा आपका आंसर? क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में यही एंड करता हूँ। और बेटा आपने ये देख लिया होगा कि आपके एसएससी जीडी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बेसिकली आपको कोई हाई लेवल ऑफ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हाई लेवल ऑफ परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज यदि आपके पास है तो वो क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बोलो क्लियर होगा बेटा? चलिए अब हम टाइप 2 की बात करेंगे बेटा कल, और टाइप 3 की बात करेंगे उससे अगली क्लास में, और 3 क्लास के अंदर मैं आपका चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।